बिहार में शिक्षा और सरकारी नौकरी से जुड़े हुए चार महत्वपूर्ण खबर के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप देख रहे हैं एस एकेडमी और वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं, एक एक न्यूज करके देखते हैं। पहला न्यूज है आपको, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना का ये नोटिस आया हुआ है। इसमें इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के लिए सूचीकृत छात्र और छात्राएं हैं उनके लिए डमी सूचीकरण कार्ड में जो भी इरर है, त्रुटि है, उसका ऑनलाइन सुधार करने के लिए जो डेट है उसका एक्सटेंशन किया गया है। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो 2021 में छात्र अपियर होने वाले हैं उनके लिए न्यूज है कि 14 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक अपने जो भी एप्लीकेशन में इरर है और रजिस्ट्रेशन में उन्होंने गलती किया है तो उसके सुधार के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका यहाँ लिंक दिया गया है, seniorsecondary.biharboardonline.com पे आप अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद से आपका जो भी यहाँ पे इरर है उसको सुधार दिया जाएगा। दूसरा खबर है, पटना विमेंस कॉलेज की छात्राओं ने फीस को लेकर जताई आपत्ति। दरअसल कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि पटना विमेंस कॉलेज में फीस को लेकर यहाँ पे कमेटी बनाई गई थी और इसमें पटना विमेंस कॉलेज की सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की जो छात्राएं हैं उन्होंने फीस पेमेंट को लेकर आपत्ति जता रही है। छात्राओं का कहना है कि कोरोना के इस दौर में कई छात्राओं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में एक साथ इतनी फीस पेमेंट कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन से कॉलेज भी बंद रहा है, ऐसे में मैनेजमेंट के फीस बता देना, यहाँ पे फीस में वृद्धि कर देना एक बहुत ही अजीब बात है। और कोर्सों की सालाना फीस 80,000 रुपये है, फीस पेमेंट के लेकर छात्राओं की आपत्ति जताई है और बहुत सारे यहाँ पे छात्राएं हैं जो यहाँ पे इसको आपत्ति जता रही हैं और इसके लिए बहुत कंसर्न है। दरअसल इसमें फीस को नहीं बढ़ाना चाहिए, अभी लॉकडाउन के कारण सभी की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है तो इसको मद्देनज़र सरकार को भी इस पर ज़रूर विचार विमर्श करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है आपका, 12वीं में बाद नामांकन को हो जाए तैयार। 12वीं के बाद नामांकन के लिए यहाँ प्रक्रिया शुरू होने वाली है। दरअसल पटना विश्वविद्यालय में यहाँ जनरल और वोकेशनल कोर्स में आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। डिस्टेंस एजुकेशन में इग्नू में नामांकन जारी है तो यहाँ पे 12वीं के रिजल्ट के बाद से आप नामांकन करने जा सकते हैं। पटना विश्वविद्यालय नामांकन के लिए अंतिम तिथि 14 अगस्त की रखा गया है और छात्र स्नातक में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और समेत और भी वोकेशनल कोर्स है उसमें एडमिशन लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके पहले जो पटना विश्वविद्यालय में इसका एडमिशन होता था उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण एंट्रेंस टेस्ट को अभी तक फिलहाल इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं देखने को मिल रहा है। फिलहाल डीन ने कहा है कि 14 अगस्त तक हमारे पास समय है, अगर उसके बाद भी स्थिति सामान्य नहीं होती है तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को कैंसिल करके मार्क्स के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और उसके बेसिस पे इसमें एडमिशन दिया जाएगा। वहीं अगर इग्नू में बताया जाए तो इग्नू में एडमिशन के लिए बहुत सारे कोर्स के लिए एडमिशन जारी है, 31 जुलाई तक आप एडमिशन कर सकते हैं, ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर, स्क्रूटनी के लिए आवेदन 17 से 21 जुलाई तक होगा। दरअसल CBSE ने 12वीं के स्क्रूटनी के लिए तिथि जारी कर दी है। जो छात्र अंक से संतुष्ट नहीं है वे स्क्रूटनी के लिए आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रूटनी के लिए 17 से 21 जुलाई तक होगा और इसके लिए छात्रों को 500 रुपये प्रति विषय देना होगा, यानी जितने भी सब्जेक्ट में आपको स्क्रूटनी के लिए जांच कराना है उतने 500 रुपये लगेगा हर सब्जेक्ट के। और अपने छात्र अपनी जो उत्तर पुस्तिका की कॉपी है उसको भी ले सकते हैं और उसका जांच कर सकते हैं। उत्तर पुस्तिका की जो फोटो कॉपी है कि छात्रों में से 2 अगस्त तक आवेदन करने को मौका मिलेगा। बोर्ड के मुताबिक 2 अगस्त को रविवार है, इसके बावजूद छात्र आवेदन कर सकते हैं। उत्तर पुस्तिका की फोटो कॉपी के लिए छात्रों को 700 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका देनी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी जो न्यूज़ है बिहार शिक्षा से रिलेटेड उसको मैंने आपको डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको डेली प्रोवाइड किया जाता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।